आज हमें जो स्टार्ट करना है टॉपिक, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट की जब भी बात की जाएगी प्रीवियस स्लाइड, वो कोई स्लाइड नहीं थी, वो बस लिस्ट ऑफ चैप्टर थी। वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो पढ़े थे, हमने उनकी सीक्वेंसिंग की थी। तुम्हारा भी बॉन्डिंग बाकी है, तुम्हारा बॉन्डिंग भी इंशाल्लाह इस वीकेंड से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है रोज। ओके, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट की जब भी बात की जाएगी तो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर की जाएगी, राइट। स्टेट मतलब हाउ मैटर एग्जिस्ट एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। स्टेट किसको रेफर करे, हाउ मैटर एग्जिस्ट एट सर्टन टेम्परेचर, राइट। हम आम तौर पे स्टैंडर्ड, एक कोई कुछ कह रहे हैं शायद, अच्छा किया सर। ओके, हाउ मैटर एग्जिस्ट एट सर्टन टेम्परेचर, और वो सर्टन टेम्परेचर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर हाउ मैटर इज एग्जिस्टिंग। अब वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन स्केल में 298 के कहा जाएगा, और प्रेशर 1 एटमोसफेयर। प्रेशर कितना है, 1 एटमोसफेयर, ये वो स्टैंडर्ड प्रेशर है। मैटर उस सर्टन टेम्परेचर के ऊपर कैसा नजर आ रहा है, आप जरा देखो मैटर कैसा कैसा नजर आ सकता है। मैटर या तो सॉलिड नजर आ सकता है, या लिक्विड नजर आ सकता है, या गैस नजर आ सकता है, ठीक है। कोई एक ही सब्सटेंस इन तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर पाएगा, लेकिन फिर यकीनन टेम्परेचर कॉमन नहीं होगा। अब फर्ज कीजिए पानी को ले लीजिए, वाटर, में कैसा नजर आ रहा है, लिक्विड भी नजर आता है, गैस भी नजर आता है, यानी इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। वाटर तुम्हें ओके, और सॉलिड की हालत में मैटर तुम्हें आइस की फॉर्म में नजर आता है, राइट। अच्छा, इन तीनों के लिए डिफरेंट टेम्परेचर होने, ये 0 डिग्री के ऊपर, ये 4 डिग्री से 99 डिग्री तक, और ये 100 डिग्री एंड अबव, ठीक है। तो स्टेट के लिए कोई सर्टन टेम्परेचर जरूर होता है, किसी भी स्टेट के लिए, अगर एक ही सब्सटेंस की बात कर रहे हो। लेकिन अगर मैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की बात करूं, फर्स्ट करो सॉलिड में मैं बात कर लूं सैंड की, लिक्विड में बात कर लूँ वाटर ही की, गैस में बात कर लूँ ऑक्सीजन की, राइट। ये तीनों ही रूम टेम्परेचर के ऊपर है, और तीनों डिफरेंट फेजेस या डिफरेंट स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है। तो एक्चुअली स्टेट रूम टेम्परेचर पे किस चीज को एक्सप्लेन करती है, स्टेट explains disorderness of
पार्टिकल एट सर्टन टेम्परेचर. स्टेट किस बात को एक्सप्लेन करती है? डिसऑर्डरनेस ऑफ पार्टिकल्स को. डिसऑर्डरनेस क्या है? डिसऑर्डरनेस मुझे पता चलती है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल विद द पार्टिकल्स. यानी मैं ये कहूं कि 0 डिग्री पर आइस के पास लेस काइनेटिक एनर्जी है, तभी वो किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट. 4 से 99 में एनर्जी लिक्विड के पास ज्यादा है. कंपेयर टू आइस इनके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा अवेलेबल है. 1 मिनट रुकिएगा. ठीक है बेटा, चलिए बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और एक नए अंदाज से देखते हैं. अब जरा देखिए, ये एक एरो है जो बता रहा है काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड, नॉट पजेस्ड, कंटेन्ड, क्योंकि पजेशन तो खत्म हो सकता है, कंटेन्ड बाय द पार्टिकल्स. साथ क्या कहना चाह रहे हैं? माइक ऑन करें. ये साथ सर, आपने वो पेन का निशान लगाया हुआ है ना, तो वो मेरी स्क्रीन को थोड़ा वो हाइड कर रहा है, आप वो हटा दें. कौन सा पेन? वो जो हाँ पे, ये तो मैंने एरो बनाया बच्चे. ओके, ये मैंने एरो बनाया बेटा. एक मिनट रुको, दो अपनी स्क्रीन को फुल खोलो, फुल फ्लैश. फोन पे अटेंड कर रहे हो क्लास? आर यू अटेंडिंग ऑन फोन? यस सर. बराबर, अब जरा देखो बाकी सबको नजर आ रहा होगा जो लैपटॉप्स वगैरह यूज कर रहे हैं. हमने ये एक एरो बनाया. एरो को देखो, एरो इज गेटिंग वाइडर टुवर्ड्स राइट. ये राइट साइड पे जाते हुए वाइडर होता जा रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि इस डायमेंशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग. तो इसका मतलब मैं यहाँ सॉलिड लिख लूँ, यहाँ लिक्विड लिख लूँ और यहाँ गैस लिख लूँ, तो ये बात गलत तो नहीं है? काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग. और इसी तरह मैं इसी एरो को, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी डिसऑर्डरनेस बिटवीन पार्टिकल्स
इज इंक्रीजिंग, ठीक है, डिसऑर्डरनेस बिटवीन पार्टिकल्स इज इंक्रीज है, ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी पार्टिकल्स के दरमियान, या पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाए, एनर्जी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। तो यानी यही टेम्परेचर के लिए भी एक्सप्लेन कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करें काइनेटिक एनर्जी लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करें लिक्विड टू गैस फर्दर इंक्रीज हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो डिसऑर्डरनेस, यानी मैं ये कह सकता हूँ स्टेट दो तरह की हैं, ऑर्डर्ड स्टेट एंड डिसऑर्डर्ड स्टेट। ऑर्डर्ड स्टेट में कौन है? सॉलिड, और डिसऑर्डर्ड स्टेट में कौन है? लिक्विड एंड गैस। यानी मोस्ट डिसऑर्डर्ड कौन होंगे? गैसेस, ठीक है भाई। तो ये मेरा बेसिक प्लेटफॉर्म है इस चैप्टर के लिए, ऑर्डर्ड स्टेट एंड डिसऑर्डर्ड स्टेट, ऑर्डर्ड स्टेट सॉलिड, disordered state liquid and gases, and that is because of the presence of kinetic energy or the temperature over which these particles are exposed in. अगर मैं एक ही सब्सटेंस का इंतखाब करता हूँ, जैसे वाटर का मैंने किया था आइस वाटर एंड वेपर्स, तो मुझे टेम्परेचर को रेज करना होगा, और अगर मैं डिफरेंट मटीरियल को इस्तेमाल करूँ तो मैं रूम टेम्परेचर पे मौजूद डिफरेंट एग्जिस्टिंग स्टेट्स का भी कंपैरिजन कर सकता हूँ कि रूम टेम्परेचर पे कौन ऑर्डर्ड है, वो ही ऑर्डर्ड होगा जो सॉलिड स्टेट में होगा, और उसके बारे में मैं ये कह सकूंगा कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी लो है, और जो रूम टेम्परेचर पे गैस होगा मैं ये कह सकूंगा कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाइएस्ट है, राइट। एक बात को और रिलेट में यहां कर सकता हूं कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ओवरकम होती है, यानी अगर मैं डिसऑर्डरनेस के लिए, तो मैंने एरो यू बनाया ना, ये डिसऑर्डरनेस के लिए, ये अट्रैक्शन कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी अट्रैक्शन डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। डिसऑर्डरनेस किसकी वजह से इंक्रीज हो रही थी? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से इंक्रीज हो रही थी? टेम्परेचर की वजह से। और इन्हीं वजूहात पर अट्रैक्शन डिक्रीज होती जाएगी, इन स्टार्टिंग फ्रॉम सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो ये बुनियादी बातें स्टेट के लिए जो कि आप पहले से बहुत डिटेल में जानते हैं। हमारे पास दो स्टेट्स हैं सिलेबस के अंदर, एक सॉलिड स्टेट और एक गैसियस स्टेट। तो पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। आई होप कि अब आपको कुछ बेहतर अंदाजा हो चुका होगा कि हाउ टू डील विद द स्टेट। प्लीज रिस्पॉन्ड मी दैट यू हैव अंडरस्टूड द स्टार्टिंग फेज ऑफ दिस क्लास।
मेरे पास 4 बज चुके रिस्पॉन्सेज आए हैं आउट ऑफ 10। अच्छा कम है। ऑलराइट, 5 बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्सेज दिए, थैंक यू वेरी मच। तो अगर सॉलिड स्टेट की बात की जाए, किसी भी स्टेट के बारे में जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये स्टेट के पोस्टुलेट मुझे किसने दिए हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने। किसी भी स्टेट के बारे में मुझे कौन एक्सप्लेन करता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो कि एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं ये कहूं कि सॉलिड्स आर दीज, सॉलिड हैज दिस दिस प्रॉपर्टी, तो कोई मुझसे पूछे व्हाट एविडेंस यू हैव, मैं कहूंगा आई एम स्टेटिंग दिस विद रेफरेंस टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सॉलिड्स हैव स्पेसिफिक shape and volume, ये बात आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनके पास specific shape है और specific volume है। दूसरी बात, least magnitude of kinetic energy is available between the particles, और particles के दरमियान kinetic energy least है, चाहे कोई भी solid हो, इनके पास kinetic energy का magnitude कम है। मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ, मोस्ट ऑर्डर्ड स्टेट ऑफ मैटर ह्यूज अट्रैक्शन इज अवेलेबल बिटवीन द पार्टिकल्स, आर्टिकल्स के दरमियान बहुत ज्यादा अट्रैक्शन अवेलेबल है, एंड दे आर वाइब्रेटिंग रेटिंग ऑन देयर पोजिशन, यानी अपनी जगह छोड़ने के लिए अलाउड नहीं है। अब पार्टिकल फर्ज कीजिए सॉलिड स्टेट में कुछ इस तरह से अलाइन है, तो दे आर वाइब्रेटिंग ऑन दिस पोजिशन। तो अगर ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो इनके दरमियान गैप्स होने चाहिए, लेकिन कैसे गैप्स, ऐसे गैप्स जो ओवरकम नहीं हो सकते, इस वजह से हम उनको गैप नहीं मानते। ऑल्दो दे हैव गैप्स but they cannot be compressed, so they will not be considered as gap, क्योंकि vibration के लिए कुछ amplitude, कुछ space होना चाहिए, right? So they are vibrating on their positions, can't be compressed, ये compress नहीं हो सकता। और अगर ये कंप्रेस नहीं हो सकते तो मुझे अज्यूम क्या करना है, दैट दे डोंट पोजेस गैप। अगर ये कंप्रेस नहीं हो रहा है तो मुझे क्या अज्यूम करना है कि इनके दरमियान गैप्स नहीं है, राइट? अच्छा, solids
आर यूजुअली नॉन वोलेटाइल, यूजुअली आमतौर पे, बट दे कैन बी सबलाइम. इनमें वोलेटिलिटी, व्हाट इज वोलेटिलिटी, कैन एनीवन टेल मी अबाउट वोलेटिलिटी, किसी को पता है? माइक ऑन कर ले और मुझे बताए. एक मिनट को माइक. यस, दैट दे कैन इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर. ठीक है माइक. लेकिन अगर मैं वोलेटिलिटी को यूं कहूं, कैन वेपोराइज एट एनी टेम्परेचर, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा. नॉट ओनली रूम टेम्परेचर बट एट एनी टेम्परेचर दे कांट. सॉलिड्स आर नॉन वोलेटाइल बट दे कैन बी सबलाइम. सबलाइम सॉलिड कौन होते हैं? दो सॉलिड्स दैट हैव वीकर अट्रैक्शन. शाबाश माई. वीकर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन वंस दे आर हीटेड दे डायरेक्टली वेपराइजेस. They directly vaporize. ठीक है. और ये किस वजह से? अट्रैक्शन का फैक्टर कम होने की वजह से. या बल्कि इसको और इस तरह से बेहतर अंदाज में अगर मैं कहूँ, मैं कह सकता हूँ सबलाइम सॉलिड्स हैव वेरी स्मॉल difference in their melting and boiling points. कि sublime substances वो हैं जिनके melting और boiling point के दरमियान बहुत थोड़ा सा difference होता है. ठीक है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान. किसमें? सबलाइम सब्सटेंसेस. जहां मेल्ट हुए वहीं वेपोराइज होना शुरू हो गए, एक आध डिग्री का फर्क. तो अब मेरे पास इन पॉइंट्स के बाद कुछ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं जिनको मुझे स्टडी करना है, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर मुझे पता होने चाहिए. सबसे पहले आयोनिक सॉलिड्स, या मैं यूं लिखूं जायंट आयोनिक लैटिसेस. कोवेलेंट सॉलिड, अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज मी, कोवेलेंट सॉलिड दो तरह के हो सकते हैं. एक जायंट मोलेक्युलर सॉलिड्स और दूसरे सिंपल मोलेक्युलर. तीसरे सॉलिड्स मेटेलिक सॉलिड्स, इनको भी तुम जायंट
मेटालिक लैटिस या आयोनिक लैटिस, दोनों लफ्ज इनके लिए यूज कर सकते हो। और चौथा है सिरामिक्स, सॉरी फिफ्थ, सिरामिक मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, टू सॉलिड्स। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ये मेरे पास पांच किस्म के सॉलिड्स हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर मुझे पता होने चाहिए, ठीक है जी। क्या इसके अलावा कोई पांच यानी छठा टाइप का सॉलिड हो सकता है? तो जवाब है नहीं। कोई भी सब्सटेंस, अब सोचिए किसी ऐसे सब्सटेंस को जिसको आपको लगता है जो इस कैटेगरी में फिट नहीं होता, कोई सा भी सॉलिड ले आइए, दुनिया के सारे सॉलिड्स इन्हीं कैटेगरीज में फिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां मुझे 3 मिनट का ब्रेक लेना है। इन 3 मिनट में मैं असर की नमाज अदा कर लूंगा और सेशन का टाइम कंप्लीट होने वाला है। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो आप लोग एक्सेप्ट करके फौरी तौर पर वापस आइएगा। ठीक है बच्चों, विल सी यू इन 3 मिनट।